अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? आज से स्टार्ट हो रहे हैं वेडिंग व्लॉग्स और आज है मेहंदी। तो चले भाई आप सभी हमारे साथ मेहंदी पर चलें और अब के व्लॉग्स बड़े मज़ेदार होने वाले हैं। आज से यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो लाहौर टूल प्लाजा है वहाँ से स्टार्ट करने लगे थे, तो मैंने कहा व्लॉग यहीं से शुरू कर लेती हूँ। और ये जी यहाँ पर सबसे पहले टूल प्लाजा देखे तो हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया। और ये उन डेट्स में सारी शादी हुई है, यकीन करें कि इतनी फोग थी ना कि लगता था कि शायद हम लोग पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे एक दिन पहले यही लोग तो लाहौर आए थे, इनकी कोई एक और बारात थी। तो कसम से इतनी बेचारे 6-8 घंटे फंसे रहे हैं फोग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमें तो ना कोई फोग मिली ना कोई ट्रैफिक मिली। 1.5 घंटे में हम लाहौर टू गुजरांवाला थे। और ये आप लोग कहते होंगे, मैं हर दफ़ा आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे ये मास्टर सिटी की ना एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत लगती है। ये इतनी प्यारी इन्होंने लाइटनिंग की हुई है ना, और एक वो किला टाइप, मतलब ओल्ड एंशियंट चीज़ें होती है ना वैसे उन्होंने बनाया हुआ, तो मुझे ये लाइटिंग्स वगैरह बहुत फैसिनेट करती हैं। और जी माशाल्लाह से पहुंच गई मैं अपनी सिस्टर के घर और ये रहा उसका माशाल्लाह माशाल्लाह घर। यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन उन्होंने ओपन मार्की ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, तो अब हम लोग सब देखते हैं मेहंदी का फंक्शन और प्लस कवाली नाइट भी थी। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है एंड तक व्लॉग देखना है। एंड में बड़ा ही ज़बरदस्त क्लिप आने वाला है, वो आपने लाजमी देखना है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। इतनी ज़्यादा मतलब ठंड में भी इतनी मेहनत ना हम आप लोगों के लिए करते हैं और हर चीज़ दिखाते हैं कि हम लोगों की मतलब लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हर चीज़। और ये मार्की काफ़ी अच्छी इन्होंने खूबसूरत सेट की हुई थी। और बस फिर मैं तो ये देखना शुरू हो गई कि भाई हीटर के पास ना कहाँ पे ना सोफ़े की सेटिंग ज़बरदस्त है, क्योंकि इतनी सर्दी थी ना कि वैसे तो ना औरतों को शादी पे बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, और घर में वो ना 4-4 स्वेटरों के नीचे होती हैं। और भाई मुझे ये भी बड़ा होता है कि मुझे ना स्टेज पर सारा कुछ नज़र आए, दुल्हन वगैरह हर, तो मैं ना उसका व्यू के हिसाब से ही बैठती हूँ। और बच्चे जी हस्बे मामूल देखें कि वो माशाल्लाह अपना खेल खूल रहे थे। पहले मैंने इनकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बना लिया, मैंने इन छोटे बच्चों को बुलाया, इनकी बनाई वगैरह। अब जाहिर है शादी पे माओं का और क्या काम होता है, हम लोगों ने बच्चों की पिक्चर लेनी है, वीडियोस लेनी है, खाना खाना है, और दूसरों की शादियों पर जाने का यही मज़ा आता है कि इंसान रिलैक्स बड़ा होता है, खाता पीता भाई और चलो भाई टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है। वैसे तो घर में ही रहना और ये जी मिलना मिलाना हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने खाने का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त किया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने सबको टेबल पर ये गोलगप्पे सर्व किए सबको, और गोलगप्पे इतने मज़े के थे, हर चीज़ इतनी बैलेंस थी ना कि बड़ा ही मज़ा आया खाने का। और कुछ आपको पता है शादियों पे जाके भूख भी कुछ एक्स्ट्रा ही लगती है कि बंदे का दिल करता है फटाफट कुछ खाने को आ जाए। और फिर उसके बाद स्टार्टर में ना उन्होंने ये चिकन दिया था और साथ फ्राइज़ थी, और बच्चों की हो गई मौजे क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें पसंद बहुत हैं। और ये बाकी मेन्यू आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले पाए थे और ये थी हलीम, ये थे चावल, और इतने के ज़बरदस्त और मज़ेदार थे क्योंकि मैं खाने के बाद बता रही हूँ। ये थे भटूरे और ये थे भटूरे के चने, और आगे मैं दिखाती हूँ। ये देखा तो इसमें कुछ नहीं था इसलिए मैंने कहा इसको बंद कर दो भाई तुम पड़े रहो। और ये रहा सैलड, अचार और कचूमर सैलड, और ज़बरदस्त इतना मज़ा आया खाने का, यकीन करें कि बहुत 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 अच्छा, हर चीज़ वेल मेंटेन्ड और हर चीज़ में इतना टेस्ट था ना, वरना हर जगह पे ना हर कोई खाने का इतना ध्यान नहीं करता। लोगों को आजकल ये होता है कपड़ा पहन लो जेवर पहन लो और चीज़ें, बस ये चीज़ों का इनको पता होता है, खानों में हर कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग भी पर्सनली बहुत करते हैं भाई कि आने वाले बंदे को ना खा के खुश हो। और यहाँ पर बस जी यहाँ हम लोगों की औरतों का फंक्शन जो था ना वो यहाँ पर अब होता है ख़त्म। हम लोगों का बाकी सारा काम होगा जी घर में जाके, मैं अपने सिस्टर के घर में जाके आपको दिखाती हूँ। और हाँ मुझे याद है मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं शादी किसकी है, मेरी सिस्टर के घर में यानी उसकी ससुराल में, जो उसका भतीजा है ना यानी उनकी जेठानी का बेटा, तो वो उसका भतीजा ही लगा, क्योंकि जब इंसान एक औरत अपने ससुराल में जाती है तो जो उसके मियाँ का रिश्ता है वही औरत का रिश्ता होता है, तो उसका भी भतीजा ही
तो बस फिर जी ये देखिए हम पहुंच गए यहाँ सिस्टर के घर। अब इन्होंने अंदर ढोलकी का करना था सारा, क्योंकि अब जहाँ पर हम लोगों का मेहंदी का फंक्शन चल रहा था वहाँ पर जी होने लगी थी कवाली नाइट, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके भी सारे क्लिप्स लिए हुए हैं। और ये जी अब मैं ना अपनी जिठानी के साथ जा रही थी घर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इतनी सर्दी थी कि सब ना बस अब रूम्स ढूँढ रहे थे कि पहले ये ना ज़रा सेट वेट हो जाए। और वैसे औरतों को शादियों पर ठंड नहीं लगती, और यहाँ पर जी चलने लग ढोलकी। तो हम यहाँ पर बैठकर हमने थोड़ी ढोलकी बजाई, फिर हम तो ज़मीन पर बैठ के थक गए भाई। तो हम लोगों में तो सबसे सवेरे ही जाने कोई नहीं है। और यहाँ पर ये बस जी अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी का फंक्शन हो गया कंप्लीट। आप लोगों को मैंने सारा दिखाया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, बारात के व्लॉग में, और उसके बाद वलीमा का। आप लोगों ने मेरे सारे व्लॉग देखने हैं और लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है, आगे भी फॉरवर्ड करने हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और मैं फिर से आप लोगों को ये सारा व्यू इसलिए दिखा रही हूँ कि ये लाइटिंग मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है भाई, और अंधेरा अंधेरे वाली चीज़ें ना मुझे पसंद नहीं आती। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह थक टूट के ना बस आते हुए बड़े जोश होते हैं, और बड़ा ना हम लोग बड़ा यूं यूं करके सेट हुए होते हैं, और जाते हुए तो बस ऐसे होता है कि या अल्लाह बस सफ़र ख़त्म हो और अपने घर पहुंचो। कल मिलेंगे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।